गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित सिटी फॉरेस्ट के पास हिंडन नदी में नहाने गए नई बस्ती के दो बच्चे डूब गए। वहीं जब घटना की जानकारी गांव वालों के साथ घर के लोगों को लगी, जिसके बाद सभी लोगों ने इसकी जानकारी गोताखोरों की टीम को दी। सूचना पाकर पहुंची गोताखोरों के अलावा एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन काफी देर तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। के बाद से दोनों बच्चों के परिजनों को रू रू कर बुरा हाल है। वही बच्चों के परिजनों ने बताया कि शिवम पड़ोस के निजी स्कूल में कक्षा एक में पढ़ता है। स्कूल में टेस्ट होना था, लेकिन शिक्षकों ने फीस जमा न होने की वजह से टेस्ट देने से रोक दिया। इसके बाद वो वापस आ गया। उनका कहना था यदि उसको स्कूल से नहीं भेजा जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। क्या नाम है आपका? कैलाशी। कैलाशी जी, आपका बेटा यहाँ नहाने के लिए आया था, किस प्रकार से क्या दुर्घटना? पता नहीं कैसे आ गया था, क्या बात हो गई थी। कितने बजे आया था? 9:30 की बात है, मैं तो काम पे चली गई थी 9:30 घर पे छोड़ के, 10 बजे की बात है, ये 10 बजे निकला घर से। अच्छा, और 11 बजे यहाँ पता लगा इन लोगों को। पता लगा? हाँ। पुलिस भी और एनडीआरएफ की टीम? कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं बता के दे रहा। इस समय एनडीआरएफ की टीमें लगी है बच्चों को खोजने। हाँ। के लिए कुछ पता चला? अभी कोई पता नहीं चला अभी। उसके साथ में दूसरा बच्चा कौन? दूसरा बच्चा इनका है। अच्छा, दोनों लोग यहाँ क्या नहाने आए थे? नहाने आए, पता नहीं क्या करने आए थे। आपके बेटे की क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम कल्लू नाम रख दिया था उसका, कल्लू कल्लू कहते थे। उम्र क्या रही? उम्र 7 साल का है वो। आपका? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटा सुबह स्कूल गया था पढ़ने के लिए, तो जो सुबह 9 बजे गया था, 9 बजे स्कूल में नहीं लिए थे। हमारे 2 बच्चे गए थे, 3 बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में, तो हमारे छोटे वाले को बुखार हो रहा था, 2 गए थे मंझला और बड़ा वाला, तो दोनों वापसी आ गए। मंझला तो घर रह गया, ये बचते हैं कपड़े उतार के चले गए खेलने के लिए, फिर जी नदी पे चले आए, वापसी कर दिए। तो स्कूल से बच्चे लिए नहीं थे बच्चे। क्यों स्कूल में क्यों नहीं लिया? ये फीस रुक रही थी कि फीस जमा करो तो एडमिशन होगा। 500 रुपये? 500 रुपये पे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया? हाँ, 2 महीने की फीस रुक रही थी ना। हजार उसमें अब जो एडमिशन वो हो रहा है, पेपर चल रहा है ना, पेपर की फीस भी जोड़ जाड़ के इनके जो 500 रुपये होगा तो 2 महीने की। अच्छा, अगर हमारा बच्चा अगर स्कूल में होता तो ये घटना नहीं होती उस समय। बच्चा सर जी, क्या नाम है आपका? सर जी, वो सुबह ही स्कूल गया था और हम 12 बजे जाते थे स्कूल पर, 1 बजे छुट्टी होती थी, हम ले आते थे, 500 रुपये रुके हुए थे फीस के, उसके वजह से बच्चे स्कूल से निकाल दिया था। वही एसीपी रवि कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदग्राम की नई बस्ती में रहने वाले 2 बच्चे हिंडन नदी में डूब गए। सूचना मिलते ही गोताखोरों की कई टीम हिंडन नदी में बच्चों की तलाश कर रही है। सर, नंदग्राम हिंडन नदी के किनारे 2 बच्चे थे जो डूब गए हैं, अभी तक पता नहीं चला है क्या था पूरा मामला। देखिए, जैसा कि ये 2 बच्चे थे और ये खेलने और तैरने आए थे और इसी क्रम में डूब गए, इसी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कल से चल रहा है सर्च ऑपरेशन। सर, परिजनों का ये भी आरोप है कि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उनकी 2 माह की फीस जमा नहीं हुई थी और उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, वो सीधा घर नहीं गए थे, यहाँ आए, अगर वो घर जाते तो शायद आज ये घटना न होती। सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार अभी भी दोनों बच्चे नहीं है। बता दें कि दोनों बच्चों की तलाश में एनडीआरएफ के गोताखोर हिंडन नदी में तलाशी अभियान चला रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।